नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम तोरी की सब्जी बनाएंगे। तोरी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर ये कच्ची कच्ची तोरी लेंगे। ये टेस्टी सब्जी बनाने के लिए हम कुछ एक मसाले तैयार करेंगे। यहाँ पर हम ये साबुत धनिया लेंगे, एक चम्मच साबुत धनिया के साथ हम एक चम्मच ये जीरा भी लेंगे। 2 से 3 ये साबुत लाल मिर्ची लेंगे, ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है। और थोड़ी सी काली मिर्च भी लेंगे, काली मिर्च का भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मसालों को हम 1 मिनट तक भून के लेंगे। भुनने के बाद मसाले थोड़े ठंडे करके हम मिक्सी में डाल के इन्हें पीस लेंगे। मसाला आप अपने हिसाब से थोड़ा बारीक या दरदरा पीस के ले सकते हैं, मैंने थोड़ा दरदरा ही पीस के लिया है। इस तरह के मसाले से सब्जी में एकदम सादियों वाला टेस्ट आता है। अब हम इस मसाले में कुछ एक मसाले और ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच ये कूटी हुई लहसुन भी डाल देंगे। आप यदि लहसुन नहीं खा रहे हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। 1 चम्मच ये तेल भी डाल दिया है। इसी के साथ ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तोरी की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मसाले तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम तोरी को भी अच्छे से छील के लेंगे। तोरी को आप इस तरह चाकू से छील के लेंगे तो इसका छिलका बहुत ही कम निकलेगा, या फिर आप पिलर की सहायता से भी छील के ले सकते हैं। इन बच्चों को ये तोरी की सब्जी खाना पसंद नहीं है, वो भी ये तोरी की सब्जी बहुत ही चाव से खाएंगे। आप अपने घर में एक बार इस नए तरीके से ये तोरी की सब्जी जरूर बनाइएगा। ये सारी तोरी हमने छील के ले लिए हैं, कुछ एक तोरी मैंने पिलर की सहायता से भी छील के लिए हैं। अब हम इनमें मसाले भरेंगे। मसाले के लिए हम इस तरह बीच में एक कट लगाएंगे। इस तरह लंबी तोरी में हम कट लगाएंगे तो मसाले भरने में आसानी हो जाएगी। इस तरह चाकू से हम 1 से 2 कट और लगाएंगे ताकि मसाला तोरी में अच्छे से भर जाए। अब ये मसाला हम इस तोरी में भर लेंगे। आप भी इस तरह साबुत तोरी में ही मसाला भर के तैयार करें। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आप भरवा तोरी बना रहे हैं, पर हम भरवा तोरी की सब्जी बना के तैयार करेंगे। इसी तरह आप भरवा तोरी की सूखी सब्जी भी बना के तैयार कर सकते हैं। और हाँ, मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये पूरी 1/2 किलो तोरी में मसाला भर लिया है हमने। और इस तरह तोरी का आप 2 से 3 इंच के छोटे बड़े टुकड़े करके ले सकते हैं। इस तरह मसाले भरने के बाद हम कट करते हैं तो मसाला भी कम गिरता है। तोरी के बीच में कट लगाने से मसाला तोरी के अंदर तक जाएगा। ये लौकी तोरी बच्चों को आप ज़रूर खिलाएं, क्योंकि बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये सारी तोरी कट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस के पास चलते हैं। कढ़ाई में ये 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी राई भी डाल देंगे। राजस्थान में ज़्यादातर सब्जियों के तड़के में राई डाली जाती है। अब हम थोड़ी सी ये इसमें हींग भी डाल देंगे। आपको यदि सूखी भरवा तोरी बनानी है तो आप इस समय कटी हुई तोरी इसमें ऐड करके पका सकते हैं। थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच ये लहसुन भी कुटी हुई डाल देंगे। और हम एक ये बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, ये प्याज भी इन्हीं के साथ भून लेंगे। ये मसाले अच्छे से भुनने के बाद हम थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे। और मसाले में हम यहाँ पर ये लाल मिर्ची लेंगे। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इन्हीं के साथ 1 कटा हुआ लाल टमाटर भी डाल दिया है। सब्जी में आप ये टमाटर नहीं डालेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि खटाई के लिए हमने तोरी के मसाले में अमचूर भी डाल दी थी और थोड़ा सा ये नमक भी डाल दिया है। नमक हमने 1/2 चम्मच तोरी के मसाले में भी डाला था और 1/2 चम्मच इसी में डाल दिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1 मिनट पकाने के बाद टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब आप इस तरह टमाटर को मैश करके ले सकते हैं। अब हमें ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है तो हम इसमें 1/2 कप ये पानी डाल देंगे। आपको यदि ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप 1 कप पानी डाल सकते हैं। पानी में थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम इसमें ये भरी हुई तोरी ऐड करेंगे। तो हम तोरी को इस तरह एक एक करके ऐड करेंगे। ये भरवा तोरी की स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी यदि अच्छी लगे हैं तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम ये कटी हुई सारी तोरी ऐड कर लेंगे। ये तोरी ऐड करने के बाद अब हम इसे ढककर पकाएंगे। ये सब्जी मीडियम गैस पर मैंने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब हम इसे हल्के हाथ पलट लेंगे। ये सारी तोरी पलटने के बाद इन्हें दूसरी साइड से सिकने देंगे। तब तक हम इसमें कुछ एक मसाले और ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ये कसूरी मेथी भुनने के लिए डाल दी है। गर्म तवे पर भी मेथी बहुत ही आसानी से भुन जाती है।
भुनने की वजह से मेथी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये तोरी की टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। इस मसाले में तोरी को हमने 3 से 4 मिनट तक ही पकाया है। ये मसाला तोरी चारों तरफ से अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें ये भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। ये मेथी का भी सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। न्यू रेसिपी रसोई चैनल में जाके आप और भी कई प्रकार की रेसिपी देख सकते हैं। अब हम गैस बंद करके इस सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे। आप यदि सावन के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो सब्जी में लहसुन प्याज स्किप भी कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सब्जी में साबुत धनिया और कसूरी मेथी का भी अच्छा फ्लेवर आता है। आप ये भरवा तोरी की सब्जी दही रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।